अफ्रीका महाद्वीप की पूर्वी तटरेखा पर एक देश है, टैंजानिया। इस देश का बड़ा हिस्सा अब भी अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। सेरेंगेटी का ये विशाल मैदान अपने खास इकोसिस्टम के चलते जानवरों की बहुत सी हैरान कर देने वाली किस्मों का घर है। जब बात खाने की हो तो क्यों ना अपने प्रतिद्वंद्वी से ही सारी मेहनत करवाई जाए। शेर मौका परस्त होते हैं और कम से कम खतरा लेने की कोशिश करते हैं। जाहिर है वो चीतों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। भले ही यहां तीन चीते क्यों ना हो, शेर का कोई मुकाबला नहीं। शेरों के झुंड में भी ताकत ही मायने रखती है, मगर ये शेरनी हार मानने वालों में से नहीं है। इस शेर को ज्यादा भूख नहीं लगी है, इसलिए वो शेरनी का पीछा नहीं करता। भरपूर खाना होने के बावजूद कुछ जानवरों में मुकाबला करने की चाहत बहुत होती है, मगर इस फिश ईगल की चाहत है कि दूसरे मेहनत करें। और फिर उनसे खाना छीन लेता है। और ये बड़े पक्षी ईगल से कोई मुकाबला नहीं कर पाते। फिश ईगल आपस में ही खाने की छीना झपटी करते हैं, पर इस वक्त बहुत कामयाबी से नहीं। जबरदस्त पाचन शक्ति की बदौलत स्पॉटेड हाइनास कुछ भी खा सकते हैं, मगर इनमें भी ओहदा मायने रखता है। एक बार में हाइना अपने वजन का एक तिहाई खाना खा सकते हैं, ज्यादातर मैमल से कहीं ज्यादा। मगर अपने ही दल के साथ प्रतियोगिता में इनके अजीबोगरीब व्यवहार नजर आ सकते हैं। जंगली कुत्तों की तरह हाइनास भी अपने खाने को जमीन या पानी में छिपा देते हैं। मगर अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने खाने को छिपाना बेवकूफी हो सकती है, खासकर जब आपके प्रतिद्वंद्वी की नजर आप पर ही हो। अस्सी से नब्बे के दल में हाइनास सेरेंगेटी के सबसे खूंखार जानवरों में से एक है। मादा हाइनास अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती हैं।
कुछ महीनों के होने पर बच्चे अपने घर से बाहर निकलकर घूमते हैं, मगर उन्हें ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं है। उन्हें परिवार के सदस्यों से भी खतरा है। जन्म से ही उनमें जिंदा रहने की सहज प्रवृत्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वे अपने भाई बहनों को भी मार देते हैं। ज्यादा शक्तिशाली बच्चे कमजोर बच्चों को खाने नहीं देते, जिसकी वजह से कमजोरी से उनकी जान चली जाती है। हाइना में ओहदे का फैसला कभी कभार लड़कर होता है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि मादा हाइना ज्यादा हावी होती हैं। जब खाने की कमी हो तो शेर असाधारण शिकार भी करते हैं, और कभी कभार बबून भी इनकी लिस्ट में शामिल होते हैं, खासकर जब बबून खाने के लिए नीचे उतरते हैं। बड़े दांत वाले वयस्क नर दल की रक्षा करते हैं। झुंड में एक साथ वो शेर को भी घायल कर सकते हैं, मगर शेर को जब भूख लगी हो तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। फिलहाल इस शेरनी को खाना सिर्फ तब मिल सकता है अगर वो किसी एक बबून को अकेला पकड़ ले। इस शेरनी की किस्मत आज अच्छी है। एक बबून से इस शेरनी की भूख शायद मिट जाएगी, मगर तब जब वो अकेले इस शिकार को खा पाए। क्योंकि उसकी तरह उसके दल के बाकी सदस्य भी भूखे हैं। शिकार की गंध मिलते ही शेरनी का दल शिकार झपटने आ गया। ये प्रतियोगिता है शेरों के अंदाज में। थोड़ी छीना झपटी और खून खराबे के बाद इलाके में फिर एक शांति छा गई। इस मैरेबू स्टॉक की नजर गोल्डन जैकल के शिकार पर पड़ी है, लेकिन गिद्ध यानी वल्चर दूसरे शिकार की ताक में है। जैकल की तरह हाइना भी बहुत शातिर शिकारी होते हैं, लेकिन अगर किसी और का शिकार पहले से पड़ा हो तो मेहनत क्यों की जाए। आमतौर पर एक नर जैकल खाने को सबसे पहले अपने साथी के साथ बांटते हैं। लेकिन बांटकर खाना इस जानवर की प्रवृत्ति में नहीं है। एक शेरनी इस बात से अनजान है कि दो शेर उसके इलाके में घुस आए हैं। उसके पास खाना है और वो ये किसी के साथ नहीं बांटना चाहती। शेरनी हार मानने वालों में से नहीं है,
मगर दूसरे शेर के आते ही उसे थोड़ा संभल कर रहना होगा। शिकार के लिए जान गंवाना बेवकूफी होगी। ये मरा हुआ हिप्पो जल्द ही कई जानवरों के झगड़े का कारण बनेगा। शेर के आने के बावजूद ये हिप्पो इलाके से भाग नहीं रहे। माना जाता है कि हाथियों की तरह ये हिप्पो भी परिवार में किसी की जान जाने पर शोक मनाते हैं। सड़ती लाश की बदबू से पानी का एक जबरदस्त शिकारी भी आकर्षित हुआ है। एक तरफ जहां मगरमच्छ जमीन पर शेर से चौकन्ने रहते हैं, वहीं ये शेर पानी में मगरमच्छ को कम आंकने की गलती नहीं करते। इतने बड़े शिकार के लिए एक बड़ा शेर का बच्चा पानी में उतरने की तैयारी कर रहा है। ये वयस्क हिप्पो शेर की बहादुरी से तंग आ चुका है। वो उबासी लेकर शेर को डराने की कोशिश कर रहा है, मगर इसकी उबासी से ज्यादा इसका आकार शेरों को डराता है। यहां शेर की कोशिश जारी है। वहीं मैरबू स्टॉक को भी हिप्पो की लाश के बारे में पता चल गया है। लाश को खाने में भी ओहदा बहुत मायने रखता है। हिप्पो के डराने के बावजूद शेरों की तादाद के सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे और शेर अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। सरेंगेटी के किसी एक हिस्से में एक चीता और उसके बच्चों के लिए समय निकला जा रहा है। शिकार मिलने पर खाना जल्दी खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में शिकार को लूटने वाले कई हैं। उनकी तादाद बढ़ते ही चीतों को पीछे हट जाना पड़ेगा। उन्हें भगाने की कोशिश बस वक्त की बर्बादी है, क्योंकि लुटेरों की तादाद को रोक पाना नामुमकिन है। चीतों के पास कोई और चारा नहीं है, उन्हें अपने शिकार को कुर्बान करना ही होगा।
वल्चर यानी गिद्ध हमेशा झुंड में हमला करते हैं, मगर एक अकेला वल्चर भी किसी से कम नहीं होता। खतरे का आभास होते ही जैकल सामने से हमला कर देता है। लेकिन वल्चर को अपनी बहादुरी का इनाम मिला। सेरेंगेटी के दूसरे जानवरों की तरह इन पक्षियों का भी अपना इलाका है। यहां ठंडक है, ढेर सारा पानी है और नजारा बेमिसाल है। अपने बच्चों को पालने की सबसे बेहतरीन जगह। हमेशा लड़ने के लिए तैयार इन गिद्धों की गिनती कभी अच्छे पक्षियों में नहीं होती। गर्मियों के मौसम में बीमारियां फैलती हैं और वल्चर लाशों को पूरी तरह साफ कर देते हैं, जिससे बीमारी फैलने से रुक जाती है। इसीलिए उनकी ये आदत इलाके को बीमारी से बचाती भी है। एक ओर जहां हिप्पो जगह के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका का सबसे खूंखार रेप्टाइल अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारी से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। शेर मरे हुए हिप्पो को नोच रहे हैं और बांटकर खाना उनकी फितरत में नहीं है। नाइल नदी के मगरमच्छ अपने सब्र के लिए जाने जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा शिकार नहीं है। शेर दहाड़कर मगरमच्छ को डराने की कोशिश करते हैं। मगरमच्छ ने चालाकी से खाने का एक हिस्सा तो चुरा लिया, पर ये दोनों जानते हैं कि आपस में लड़ाई दोनों के लिए भारी पड़ सकती है। करीब आ रहे मगरमच्छों को शेर पंजे मारकर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मजबूत कवच के साथ बने नाइल के मगरमच्छ पीछे हटने वालों में से नहीं है। एक शेरनी शिकार छोड़कर जा चुकी है, अब मगरमच्छ इंतजार कर रहे हैं। पर खाना खत्म होने के कगार पर है।
हो सकता है उनकी बहादुरी उन्हें इनाम दिला दे। अचानक मगरमच्छ का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। मगर शेर खाना छोड़ने को तैयार नहीं है और शिकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है। मगरमच्छ लगभग 8.5 करोड़ सालों से इस धरती पर हैं और डायनासोर के विलुप्त हो जाने के बावजूद टिके हुए हैं। वो अफ्रीका के सबसे बड़े शिकारियों से डरने वालों में से नहीं है। यहां प्रतिद्वंद्वी खाने के लिए लड़ते हैं और मेटिंग के हक के लिए भी। हर एक लड़ाई से होने वाला ये संघर्ष सेरेंगेटी की कहानी में और भी रोमांच भर देता है।